हेलो दोस्तों, आज का खास वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से रिमोट की तरह काम कराना चाहते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल को आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर कनेक्ट करके एक रिमोट की तरह काम करा सकते हो। तो कैसे कराओगे, तो उसके लिए वीडियो को अंत तक देखे, बीच में स्किप न करें। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो जी हाँ, आप अपने मोबाइल को बिल्कुल एक रिमोट की तरह काम करवा सकते हो। और हाँ, यदि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में कोई टेक्निकली प्रॉब्लम होती है तो आप किसी के साथ अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है वो शेयरिंग कर सकते हो और उस टेक्निकल इशू को भी बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हो। कैसे, तो आज के वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि आप बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को है वो रिमोट की तरह कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। कैसे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर है वो डाउनलोड करना है। यदि आपके पहले से ही गूगल क्रोम में वो डाउनलोड किया हुआ है तो और भी अच्छी बात है। तो गूगल क्रोम को वो ओपन करना है। जैसे आप गूगल क्रोम को ओपन कर लोगे तो गूगल क्रोम में ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा एप्स नाम लिखा हुआ, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो चीज़ें ऐड हुई हुई है जो आपने गूगल वेब स्टोर से इंस्टॉलेशन की हुई है। तो आपको यहाँ से एक ऐप है वो ऐड करनी है। कैसे करनी है, देखिए यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन करना है और यहाँ पे आपको गूगल क्रोम वेब स्टोर से आपको एक ऐप है उसको ऐड करना है जिसका नाम है क्रोम रिमोट REMOTE रिमोट डेस्कटॉप, ये नीचे आ गया। तो इसको आपको ओपन करना है, जो ये सबसे पहले है यही है, और इसको यहाँ से ऐड करना है। यदि आपको ये ऐप नहीं मिलती है तो मैं वैसे वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाके ओपन करके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐड कर, तो ये ऐड हो गई। जैसे ही आप इसे ऐड कर लेते हो, ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्रोम रिमोट डेस्कटॉप पे है वो क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टर्न ऑन करना है। आप जो भी कंप्यूटर का नाम देना चाहो वो नाम दे सकते हो। नेक्स्ट करना है, यहाँ पे आपको कोई भी पिन सेट करना है 6 नंबर का। तो मैं सिंपल एकदम इजी पिन है वो सेट कर देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और इसको क्या कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, ये स्टार्टिंग हो गई और वैसी की वैसी ऐप है वो आपको अपने जो आप मोबाइल के अंदर है वो इंस्टॉलेशन करनी है। तो यही ऐप आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। तो आपको वहाँ पे लिखना है CHROME क्रोम रिमोट रिमोट डेस्कटॉप। इसको क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉलेशन करना है और इसे ओपन करना है, ठीक है। अब वो अकाउंट यहाँ पे डालना है जो आपके पीसी के अंदर डला हुआ है, ठीक है। तो कनेक्ट हो जाएगा, दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसमें खास बात का ध्यान रखें कि जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर आपका जो अकाउंट लॉगिन किया हुआ है वही अकाउंट आपके मोबाइल फ़ोन में लॉगिन होना चाहिए। जैसे अभी मैंने अपने मोबाइल में दिखाया आपको, तो मेरे मोबाइल में ऑटोमेटिक ही लॉगिन हो गया। आपके मोबाइल में 2 या 3 अकाउंट आप जैसे भी चला रहे हो, ज़्यादा अकाउंट हो तो ध्यान रहे इस बात का, वही अकाउंट आपके मोबाइल के अंदर ऐड होना चाहिए जो आपके गूगल क्रोम के अंदर ऐड है। वो मैंने आपको पीछे दिखाया ही है, वैसे के वैसे इंस्टॉलेशन करनी है। तो मोबाइल में क्या दिखा रहा है वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और जाके देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने जैसे क्रोम खुला वो आ गया है, मैं इसको ओपन करता हूँ। कनेक्टिंग नाम आ रहा है। अब आपको यहाँ पे वो पासवर्ड डालने हैं जो मैंने अभी लगाए थे, और ये देखिए मेरा पूरा का पूरा कंप्यूटर है वो
मेरी स्क्रीन पे आ गया है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा जो डेमो है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो जैसा का जैसा मैंने यहाँ पे सेट किया है वैसा का वैसा आपको मेरे मोबाइल के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। और अब मैं चाहूँ जैसा जो कमांड देना चाहूँ वो आपको यहाँ मेरे मोबाइल के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब जैसे सपोज मैं माई कंप्यूटर ओपन कर रहा हूँ तो देखिए मैं मेरे मोबाइल से वो आपको दिखाई दे रहा होगा। माई कंप्यूटर पर मैं क्लिक करता हूँ तो जो अपने डेस्कटॉप के अंदर भी है वो माई कंप्यूटर है ओपन हो जाएगा। तो आपको ये तीर दिखाई दे रहा है, इससे मैं माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ, फुल करता हूँ तो तीर लाना पड़ेगा मुझे पहले, ये देखिए इसे फुल हो गया। अब मुझे कोई भी डिवाइस खोलना है या कुछ भी करना है एक्स वाई जेड तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ये देखिए मैं अपने मोबाइल से जो भी कर रहा हूँ वो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने गूगल क्रोम खोल रखा था उसको मैं वापस खोलता हूँ तो ये देखिए, वापस हटाता हूँ तो देखिए। तो ऐसे आप है वो बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल को है वो एक रिमोट की तरह कंट्रोल कर सकते हो। पर ध्यान रहे इसके अंदर जो नेट आप चला रहे हो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर वही नेट आपके मोबाइल के अंदर है वो कनेक्ट होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो, तो जैसे मान लो मुझे सी खोलना है, मैं अपने मोबाइल से खोल रहा हूँ तो आप देख रहे हो डेस्कटॉप के अंदर भी ये देखिए ओपन हो गया ना। तो चलिए आपको और थोड़ा सा और चेक करा देता हूँ मैं। जैसे मान लो मैंने प्रोग्राम ये जो फाइल है वो ओपन की प्रोग्राम फाइल, तो वैसे आप कुछ भी अपने मोबाइल से वो कर सकते हो जो भी आपको करना होता है। जैसे मुझे इसको कट करना है तो मैं इस तीर के निशान को वहाँ पर ले जाऊँगा, वहाँ से कट कर दूँगा तो ये कट हो गया। तो आप पूरा का पूरा अपने मोबाइल से है वो अपने एज ए रिमोट की तरह कंट्रोल कर सकते हो अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को। और ये तो कंट्रोल हो गया, इसके साथ साथ आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को है वो शेयर भी अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ, आपकी कोई टेक्निकली प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय धन्यवाद। और हाँ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करिएगा। धन्यवाद।